प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला। तो ये जो गीत है वो हिंदी में भी हम सुनते हैं, जैसे कि प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा When we sing it, we can remember the words much faster. जब हम इन गीतों को गाते हैं तो उन शब्दों को बहुत ही जल्दी हम याद कर पाते हैं। So many of the scriptures, when we sing it, then we can remember it. बहुत सारे वचनों को जब हम गीत के द्वारा गाते हैं तो हम उसे याद कर पाते हैं। So when we are alone, we can think about it, the words of God. जब हम अकेले होते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों के बारे में सोच सकते हैं। And that will free us from all our deception and all sin. तो वो हमें हमारे सारे धोखों से, हमारे सारे पापों से छुड़ा देगा। Because we get faith in God. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास उत्पन्न होता है। And with faith comes deliverance and victory. और विश्वास के द्वारा छुटकारा आता है, जय मिलता है। And the devil is always wanting to attack our faith. और शैतान हमेशा हमारे विश्वास पर आक्रमण करने की कोशिश में रहता है। And he is always at work to wanting to attack each one of God's children. और वो हमेशा कार्य में लगा हुआ रहता है कि परमेश्वर के जितने भी बच्चे हैं उन पर वो आक्रमण करते रहे। Most of the people of this world and most nominal Christians, most of the people of this world and most nominal Christians are already under his hand. He doesn't have to attack them. तो जितने दुनिया के लोग हैं और जो नामदाई मसीह है, सब लोग जो है उनके उसके अधीनता में, तो उनके ऊपर कोई आक्रमण वो करना नहीं चाहता। But he wants to attack God's own children and many times he succeeds. और वो परमेश्वर की जो स्वयं के संतान है उन पर आक्रमण करना चाहता है और कई बार वो जय भी पा लेता है उस पर। And how does he attack us by telling us the wrong things? और वो हमारे ऊपर हमला कैसे करता है कि हमें सारे गलत चीजों को बताकर। And it says he tells us all lies. वो हमें सारी झूठ कहता है। Because Jesus said in John chapter 8 verse 44 that the devil is the father of all lies. यो यीशु ने कहा यूहन्ना 8 के 44 वाक्य में कि जो शैतान है वो झूठ का पिता है। And he always speaks lies to us about doesn't tell the truth of God. He always tells something different. और वो हमें हमेशा झूठी बोलता है, परमेश्वर की सच्चाई नहीं बताता है, हमेशा अलग अलग चीजों को बताता है। That is why he attacks us. Many believers we fall for it. And when we get we fall astray and fall into sin because we believe his lies. और इसी वजह से वो इस बातों के द्वारा हमें धोखा देता है, उसी के कारण हम उस पर उसकी बातों पर विश्वास करकर परमेश्वर के विश्वास से और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। All of us sitting here are prone to his attacks. और हम में से जब सब सब लोग जहां हमें बैठे हैं हम सभी उसके आक्रमण के भागी हो सकते हैं। And he attacks us in our mind, in our thoughts. और वो हमें आक्रमण करता है हमारे सोच पर, हमारे दिमाग पर। And he put all sorts of wrong ideas into our minds. और हमारे दिमाग में सारे गलत विचार और योजनाएं वो डालता है। Which is against the word of God. जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। That is why we have to read the word of God exactly and correctly so that we may not get deceived. इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को जैसा लिखा है वो स्पष्ट रूप में पढ़ना चाहिए ताकि हम धोखा ना खाएं। Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from God's mouth." यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से जीवित होगा। So if we don't read the word of God and don't meditate on the word of God, we deserve to be deceived. इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं है, परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं करते हैं, तो हम जो है धोखा खाने के लायक है। We have got so much time, we waste our time watching Facebook and WhatsApp and so many other programs, but we don't have time to read the word of God and think about the word of God. हमारे पास बहुत सारा समय होता है बर्बाद करने के लिए, टीवी देखने के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम देखने के लिए, यूट्यूब में देखने के लिए, फेसबुक में जाने के लिए, परंतु हमारे पास परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। And because of that, we think the wrong things and we think our worldly thoughts which the devil puts in our mind and we fall into all sorts of sins. इसी वजह से सारे गलत चीजों को ही हम सोचते हैं और शैतान हमारे दिमाग में सारी संसारिक चीजों को डाल देता है और हम पाप में गिर जाते हैं। That is why the Lord is very far away from us. इसी के कारण परमेश्वर हमसे बहुत ही दूर हो जाता है। And we are not filled with the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से भर नहीं पाते। One sin can separate us from God. एक पाप हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। Because God is holy. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। And the devil comes and tells a lie and tells doesn't matter one sin only doesn't matter God will forgive you. और शैतान आकर हमसे झूठ कहता है, कहता है कि एक बार किया तो कोई कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा।
God will only forgive us when we repent and turn away from that sin. तो परमेश्वर से क्षमा तभी करते हैं तब पश्चाताप करके इस पाप से अपना मुंह को फेरते हैं. And every sin that we do, we have to face a punishment for it. और हर एक पाप जो हम करते हैं उसका जो दंड है हमें भुगतना होगा. God will forgive us, but we have to bear that punishment. परमेश्वर हमें क्षमा तो कर देंगे परंतु उसका दंड हमें भुगतना होगा. Therefore, we have to have a fear in our heart that we will not sin. इसलिए हमारे मन में एक भय होना चाहिए ताकि हम पाप ना करें. The devil is so cunning that he comes in a very cunning way to us. और शैतान बहुत ही चतुर है, बहुत ही चतुराई से वो हमारे पास आता है. That's why it says in 2 Corinthians chapter 11. लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय में. Verse 2. दूसरा वचन उसका. It says, for I am jealous with you for a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, that is to Christ, that I may present you as a pure virgin. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं. Then we make a decision to follow Jesus Christ as a disciple, take water baptism, and say, I have decided to follow Jesus. Then we are engaged to Jesus Christ. जब हम निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करेंगे और बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारी जो बात है प्रभु यीशु मसीह के साथ लगाई जाती है. And we have to be as a pure virgin for Jesus Christ. और हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पवित्र कुंवारी के समान होना है. And we have one husband, that is Jesus Christ. हमारा एक ही पति है, वो यीशु मसीह है. And the Lord loves us very much. और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखते हैं. But before we meet the Lord face to face, after we die or before the Lord comes, we have to be faithful to the Lord. परंतु प्रभु मरने के बाद प्रभु से आमने सामने मिलने से पहले या तो फिर परमेश्वर हमारे मरने से पहले आने से पहले हमें जो है बहुत ही पवित्र रहना है. God has not left, Jesus has not left us alone. He has given us the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी है. He has given the word of God which the Holy Spirit has written into our hearts. उन्होंने परमेश्वर का वचन दिया है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में लिखा हुआ है. You can either choose to listen to that or listen to all the people of the world. Who are controlled by the devil. तो हमारी चुनाव ये हो सकती है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने या तो फिर शैतान के द्वारा नियंत्रण में किए गए लोगों की बातों को सुनते बैठे. So many believers and so many and all the unbelievers are controlled by the devil. बहुत सारे विश्वासी और जितने भी अविश्वासी है सभी लोगों का नियंत्रण शैतान के हाथों में है. All your relatives and friends are under the power of the devil and what they speak are inspired by the devil. और जितने भी आपके मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, सभी वो शैतान के नियंत्रण की अधीनता में है और जो भी वो बात करते हैं उससे प्रेरित होकर ही बात करते हैं. So whatever they speak, we must check with the word of God, check with the will of God. जो कुछ भी वो बात करते हैं परमेश्वर की इच्छा में हमें ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के वचनों में उसका खोज करना चाहिए. And, but if you don't listen, then it will happen to you. Verse 2, it says, but I'm afraid lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. अगर हम उसे सुनते नहीं है तो तीसरे वचन में लिखा हुआ है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं. As because Jesus is our husband, our bridegroom, we have to have a simplicity and purity of devotion to Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पति हैं, तो हमें हमारे मसीह के लिए एक सीधाई और पवित्रता का जीवन होना चाहिए. And the devil knows that God is going to bless us tremendously because of our relationship with Christ. और शैतान ये जानता है कि क्योंकि हमारी जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष करने वाला है, ये वो जानता है. We are joint heirs with Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में उसके वारिस सहभागी है वारिस में. God will give us everything that belongs to Christ because we are his bride. और परमेश्वर जो भी मसीह का है सब कुछ हमें भी देंगे क्योंकि हम उनके उनके दुल्हन हैं. We will rule all the world and the principalities and all the galaxies in the world in the future. तो हम जो है सारी अधिकारों पर, सारे विश्व पर, आने वाले भविष्य में भी सब सारी चीजों के ऊपर राज करेंगे. And we are being made in the image of God. और हम परमेश्वर के खुद के सदृश बनाए गए हैं. And the devil is very evil. He is very jealous of us. That's why he wants to destroy us. और शैतान जो है बहुत ही बुरा है, हमसे बहुत ही जलन रखता है, इसलिए हमें वो नष्ट कर देना चाहता है. Just as he deceived Eve in the Garden of Eden. जैसे कि उसने हव्वा को ईदन की वाटिका में बहकाया था. He because he says by his craftiness, his cunningness. और उसकी चतुराई से उसने ऐसा किया. The devil is a very cunning person. He talks,
it appears to talk very nicely and very sweetly, but he is very cunning, he is very evil. और शैतान जो है बहुत ही चतुराई है, चतुर है, क्योंकि दिखने में तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही मीठी बात करता है, परंतु वो बहुत ही बुरा और चतुर है. He puts wrong thoughts into our minds. वो हमारे दिमाग में गलत विचारों को डालता है. So that we may be led astray. ताकि हम नष्ट किए जाएं. When we obey what the devil says, then God also becomes against us. और क्योंकि जब हम शैतान जो हमसे कहता है वो मान लेते हैं तो परमेश्वर भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं. Because we start disobeying God. क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं इसलिए. And why do we disobey God? हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते? Because of our pride. हमारे घमंड के कारण. Eve was deceived because of her own pride. और हवा भी बहकाई गई खुद के घमंड के कारण. The devil came to her speaking nice sweet words to her and telling her that she's very good looking and very great and she become more and more great like God. She believed it. और जब शैतान उसके पास आकर बहुत ही मीठे शब्दों से कहने लग गया कि तुम बहुत ही सुंदर दिखती हो, बहुत ही महान हो और तुम परमेश्वर के समान और भी महान बन सकती हो, तो वो सुनकर उसकी बातों को मान लेती है. Everybody wants to be great. और सभी लोग महान बनना चाहते हैं. All the people in the church wants to be get great. कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब महान बनना चाहते हैं. Two things that the devil tempts us very much is to become more rich and to become great. और दो चीजों में शैतान हमें बहुत ही प्रलोभन देता है कि पहली बात तो हम ज्यादा अमीर हो जाएं बहुत ज्यादा, या तो दूसरी बात ये है कि हम बहुत महान बन जाएं. And all the people of this world are running for it. और इस दुनिया के सारे लोग इस चीज के पीछे भागते हैं. And the devil also came with same temptations. Just do what you like. You are so great. You come again so big, and you'll earn a lot of money, and you'll become very powerful. और शैतान भी यही चतुराई के साथ आके कहने लगा कि हाँ तुम बहुत ही अमीर बन जाओगे, बहुत ही मशहूर हो जाओगे, बहुत ज्यादा अधिकार तुम्हारे पास होगा, सामर्थ होगा. Eve did not know that she already had everything in Christ and God was there with her and they had everything, but she wanted to have something more. और हवा ये नहीं जानती थी कि मसीह में उसके पास सब कुछ है और परमेश्वर उसके साथ है, सब कुछ उसको मिल सकता है, परंतु उससे भी कहीं बढ़कर होना चाहती थी कुछ. The devil was very clever to tell lies and thus deceive Eve. और शैतान बहुत ही चतुराई से झूठ बोलता है, वैसे ही वो हव्वा को बहका देता है. What is deception? और धोखा क्या है? Deception is believing a lie. और धोखे का अर्थ ये होता है कि हम कोई झूठ को सच मान लेते हैं. And the devil is a master deceiver. और जो शैतान है वो उस धोखा देने वालों में मास्टर बॉस है. When we live in this world, when we buy and sell so many things, lot of people try to deceive us. और जब हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेते हैं, बेचते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है धोखा देते हैं. Sometimes we are deceived because we get some inferior quality product when people claim that it is a good product. कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही गंदा सामान मिलता है, जबकि लोग बोलते हैं कि ये जो सामान हम बेच रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे गुण का है. Most of the sales people are masters of deception. और जितने भी बेचने वाले जो लोग होते हैं धोखा देने में माहिर होते हैं. Because they are under the control of the devil. क्योंकि वो शैतान के अधीनता के अंदर है. And there are many believers also under the control of the devil. बहुत से विश्वासी भी शैतान के नियंत्रण के अधीन में ही हैं. Because they run, want to run after money and they want to run after fame and importance. क्योंकि वो पैसों के पीछे भागना चाहते हैं, मशहूरता के पीछे और मुख्यता के पीछे भागना चाहते हैं. All of us are also tempted by this temptation. हम में से सभी लोग यही प्रलोभनों के द्वारा ही लुभाए जाते हैं. If we love money very much and love greatness very much, definitely we'll get deceived. अगर हम पैसों से बहुत प्रेम रखते हैं, महान बनने से बहुत प्रेम रखते हैं, तो हम जरूर धोखा खाएंगे. And the Apostle Paul wrote to the Corinthians because they were very interested in fame and name and money, and many of them got deceived. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे ये जो पत्री है वो कुरिन्थियों को लिखते हैं क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्पी रखते थे पैसा कमाने में और मशहूरता पाने में, नाम कमाने में. First, the deception takes place in your mind and my mind. और पहली बात धोखा शुरू होता है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में. And how does the devil speak to us? और शैतान हमसे कैसे बात करता है? The devil doesn't speak to us through heathen gods and to heathen religions. और शैतान जो है दूसरे देवताओं के द्वारा या दूसरे धर्मों के द्वारा हमसे बात नहीं करता. He speaks through so many Christian believers. वो हमें हमसे बात करता है बहुत से विश्वासियों के द्वारा. Verse 4 says that if someone comes and preaches another Jesus whom we have not preached, and you have received a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully.
चौथा वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। The Apostle Paul said, "When I preach the gospel to you, I preach the right Jesus." प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब मैंने प्रचार किया था, तुमने सही यीशु के बारे में तुम्हें प्रचार किया था। You received the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को पा पाए तब। And you received the true gospel. और तुमने सच्चे सुसमाचार को पाया। And you accepted it very well initially. और शुरुआती तौर पर बहुत ही अच्छे से तुमने उसको ग्रहण भी किया। After I left, there are so many other preachers who have come and they started preaching about another Jesus. और मेरे वहाँ से लौटने के बाद दूसरे लोग आकर एक दूसरे यीशु के बारे में प्रचार करने लगे तुम्हारे बीच। And they were preaching about another spirit. और एक दूसरी आत्मा के बारे में वो प्रचार कर रहे हैं। And you have received that spirit. और तुमने उसे पा भी लिया उस आत्मा को। And there's another gospel. और दूसरे से समाचार को भी। The gospel that does not talk about repentance and faith in God. वो सुसमाचार जो पश्चाताप करने के विषय में या परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में नहीं प्रचार करता। We see it all over the place right now. It was so badly bad in the first century. Now in the 20th, 21st, after 2100 years, it has become terribly worse. और पहले युग से लेके अभी के 21वें युग में ये जो बातें हैं बहुत ही बुरा और बदतर होते जा रहा है। Nearly all the born again believer churches are speaking about another Jesus. और खास करके बहुत से नए जन्म पाए हुए कलीसियाओं में दूसरे यीशु का ही प्रचार हो रहा है। Most of the believers have not received the Holy Spirit, but another spirit. और बहुत से विश्वासियों ने पवित्र आत्मा को पाया है पर दूसरे आत्मा के द्वारा। And most of the believers have not received the true gospel, but the another gospel. और बहुत सारे विश्वासियों ने सच्चा जो सुसमाचार है उससे नहीं स्वीकारा है, दूसरे प्रचार को स्वीकारा है। Another gospel. और दूसरा सुसमाचार क्या है? वो संपन्नता का सुसमाचार है। Yes, you can become rich and you can become famous. हाँ, तुम धनवान बन सकते हो, मशहूर बन सकते हो। God has called us to be prosperous in this world where we live. तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि इस दुनिया में बहुत ही संपन्नता के साथ, धनवंता के साथ हम जिए। They will not talk about adversity that you're going to be harassed and you'll become, you'll lose lot of property. तो वो इस बारे में बात नहीं करते हो कि आप बहुत सारे सतावटों का सामना करेंगे, विपत्ति आएंगी, बहुत सारी तुम्हारी धन संपत्ति तुमसे खोई जाएगी, ये नहीं बात करते। The Apostle Paul said that you will face lot of tribulations after if you become a disciple, true disciple of Jesus Christ. पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होने के बाद दुनिया में बहुत सारे क्लेशों का, मुसीबतों का तुमने सामना करना पड़ेगा। You may not earn lot of money, people will take advantage of you, you may not get a promotion in time, you may lose a lot of money. तुम्हारे लोग जो है अच्छे से तुमसे बर्ताव नहीं करेंगे, तुम्हें बराबर तरक्की नहीं मिलेगी, बहुत सारा तुम्हारा पैसा है, जो भी कुछ है तुम्हें खोना पड़ेगा, नष्ट हो जाएगा। For the sake of Christ, you'll have to endure a lot of difficulties and problems. प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हें बहुत सारे मुसीबतों का, परेशानियों का जो है अंत तक धीरज धरकर सहना होगा। But God will take care of you. परंतु परमेश्वर आपका ध्यान रखेंगे। He will take care of your family and all your needs on this earth. और आपके परिवारों का वो ध्यान रखेंगे, तुम्हारी दुनिया की जितनी भी जरूरत है सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। In Hebrews 11 it says that when the believers became true believers, they lost lot of property and they accepted it very well. Doesn't matter if we have to lose all these things, I still have Jesus Christ and he is the most important person in my life. इब्रानियों के 11 अध्याय में हम देखते हैं कि बहुत सारे ईश्वरीय जन जो है परमेश्वर को पाने के बाद उनकी जितने भी धन संपत्ति है वो सब कुछ खो देते हैं, परंतु वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें ये सारा नष्ट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, परंतु हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है वही काफी है। And receive another Jesus. और दूसरे एक मसीह को स्वीकारते हैं। He is a Jesus who is loving and kind, will overlook all our faults. वो ऐसे यीशु है जो हमारी जितनी भी गलतियां हैं, कमियां हैं, सब कुछ क्षमा कर उसको सब नजरअंदाज कर देते हैं। So what is the result that people keep on continue to sin and sin and sin? इसका परिणाम क्या हो जाता है कि लोग जो है पाप भी करते जाते हैं आगे। There is no fear of God at all. उनके मन में परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं होता। They continue to indulge in all their lustful pleasures and overeat food and sexual desires and keep running after money. But this Jesus says, doesn't matter. और वो अपने खुद की अभिलाषाओं में, ज्यादा खाने पीने के विषयों में, पैसों के मामलों में, लैंगिक बातों में आगे ही चलते जाते हैं, परंतु ये जो इशू है वो उनको कहता है कि कोई बात नहीं, करते जाओ। And they fight for leadership in the church and want to become great. And the Lord says, doesn't matter. So this is the type of Jesus
that they want to believe. और तो कलिसिया में प्रमुखता के लिए भी वो लड़ते जाते हैं, महान बनना चाहते हैं. ये जो यीशु उनको कहता है कि कोई बात नहीं, इसे करते जाओ, तो इस यीशु पर ही वो विश्वास करना चाहते हैं. And there's a different spirit. This is not the spirit of Christ, the spirit of the devil, the spirit of pride and arrogance. तो ये प्रभु दूसरी तरीके का एक आत्मा है. प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, शैतान का आत्मा है, अहंकार का, घमंड का आत्मा है. Jesus wants us to have a meek and a quiet spirit. All these people have a very proud and arrogant spirit. They will not listen and submit to anybody. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि शांत और दीन आत्मा हो हमारे पास, परंतु इन लोगों के पास एक घमंडी और स्वार्थी आत्मा है जो किसी के भी अधीनता में आकर किसी की सुनना नहीं चाहता. Recently, I was talking to a young brother. He said, "I only want to attend meetings where there are physical meetings. I don't want to attend Zoom meetings." एक हाल ही में एक भाई से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जो शारीरिक रूप में जो साथ मिलकर जो आराधनाएं होती हैं वहीं पे मैं जाना चाहता हूँ, कोई भी ऑनलाइन जो आराधनाएं होती हैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं. I told that during this Zoom times, it's very, very this Corona times, very difficult to have physical meetings. So make the best of you opportunity for it and listen to the Word of God, and we can share the Word of God in the Zoom meeting. तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि ये कोरोना का जो महामारी चल रहा है तो इसमें बहुत ही मुश्किल होगा कि आपस में मिलकर आराधना किए जाए, तो जो आपको जो भी मौका मिलता है जो जूम के द्वारा जो सभाएं होती है उसका पूरा लाभ उठाओ, ऐसे मैंने उनको कहा. But despite telling so many times, he was not willing to listen at all. और इतनी बार उनको कहने के बावजूद भी वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता था. He was become so arrogant and not willing to submit to any authority. वो इतने घमंडी अहंकारी हो गए कि कोई भी अधिकारियों के अधीनता में वो आना नहीं चाहते थे. But I told him to do what you like. I'm sure it will not go well with you. People who have such an arrogant spirit will always the devil will take charge of their lives. तो मैंने फिर उनसे कहा कि हाँ तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो, क्योंकि जिनका जो आत्मा है घमंड से भर जाता है, अहंकार होता है, उनके साथ अच्छा नहीं होगा, शैतान उनके जीवनों पर अपना नियंत्रण रख लेगा. If you can't submit to any godly authority, you want to teach other people rather than to learn, then the devil will take over their lives. अगर आप ईश्वरीय व्यक्तियों के कोई भी अधीनता में नहीं आना चाहते हो और सिर्फ सिखाना चाहते हो, तो ऐसे जो अधीनता में नहीं रहते हैं उनके जीवन के ऊपर शैतान जो है अपना नियंत्रण रखना शुरू कर देता है. So many young people have not listening to their older their parents and elders, and because of that they have got deceived and they have gone away from the church. बहुत से जवान भाई जो हैं अपने जो माता पिता होते हैं अपने जो उम्र में उनसे जो बड़े होते हैं उनसे उनकी अधीनता में नहीं रहते, उनकी सुनते नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. The apostle Paul said that these Corinthians were bearing all these types of gospel. It says last verse, "You are accepting it very beautifully." तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो कोरिंथी हैं इन सारे सुसमाचार को बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर ले रहे हैं. They were listening to all the different type of preachers that are there. और जितनी भी तरीके के प्रचार वहाँ पे हो रहे थे सारे वो अच्छे से सुन रहे थे. The apostle Paul's time, there were so many preachers without internet and so many other things. They're all running after money and fame and making a name for themselves. प्रेरित पौलुस के समय पर बहुत सारे प्रचारक थे, तब तो इंटरनेट वगैरह नहीं था, परंतु पैसों के पीछे, मशहूरता के पीछे, नाम कमाने के पीछे भागते थे वो प्रचारक. Now in the times when there is internet and YouTube, this has increased 1,000 times. क्योंकि अभी हमारे पास इंटरनेट है, YouTube है, तो हजार गुना ये सब बातें बढ़ चुकी है. Most of the preachers that are there on YouTube and internet are speaking the wrong gospel. और बहुत से जितने भी प्रचारक इंटरनेट पर यूट्यूब में मौजूद है वो गलत समाचार का ही प्रचार कर रहे हैं. The true people we can hardly count them by the hands of a finger. और जो सच्चे लोग हैं उनकी गिनती हमारे हाथों की उंगलियों में हम कर पाते हैं. In spite of that, many people in CFC also are listening to all these messages. इसके बावजूद CFC के लोग भी जो है वो भी ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं. Because they like it very much. क्योंकि उनको ये बहुत अच्छा लगता है. They offer them healing and prosperity and a great position and something good will happen to you. तो वो कहते हैं उनको चंगाई मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे साथ हो जाएगी, मशहूरता मिलेगी, अच्छा अच्छा जो भलाई है तुम्हारे जीवन में होगा, वैसे वो कहते हैं. And the sad thing is that they don't ask the elders at all as to what whether these things are right or wrong. दुख की बात तो ये है कि अपनी प्राचुन से वो बिल्कुल नहीं पूछते कि ये जो बातें हैं वो सही है कि नहीं. They are so proud and that they don't have to ask advice from anybody. वो इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो किसी से भी कोई भी सलाह नहीं लेना चाहते. And many times when they correct them, they feel very offended. जब भी मैं उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ तो उनको बुरा लग जाता है. Some of them repent, but some of others don't repent at all. उनमें से कुछ जो है पश्चाताप कर लेते हैं, परंतु बाकी लोग पश्चाताप बिल्कुल नहीं करते.
and because of their pride they go astray and fall into all sorts of sins. उनके इस घमंड के कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, सारे प्रकार में प्रकार के पाप में गिर जाते हैं. The devil came and spoke to Eve about all these things. Her husband was standing next to her. जब शैतान आकर हव्वा से ये सारी बातें कर रहा था तो उसका पति उसके बाजू में ही खड़ा था. And they were already told not to touch the tree, not to eat of the tree. और पहले से ही उन्हें कहा गया था कि उसके उस पेड़ को छूना नहीं है, उसके फल को खाना भी नहीं है. But Eve was such an independent spirit, she didn't ask anybody, neither husband, neither God who was going to come and meet with them later on the day. She took a very quick decision. और जो हवा जो थी बहुत ही स्वार्थी थी, उसने किसी से पूछने की कोई इंतजार नहीं की, उसने जो भी निर्णय लेना था तुरंत ही उसने ले ली. She believed the sweet lies of the devil. उसने शैतान की जितनी भी मीठे झूठी बातें थी सबको उसने विश्वास किया. And so many believers, because of that, she was thrown out of the paradise. She lost fellowship with God completely. इसी वजह से उसको एदन की वाटिका में से बाहर निकाला गया, परमेश्वर के साथ की जो संगति है उसने नष्ट कर दी इसी के कारण. The devil always attacks the weaker sex. They know that the women have a love for all these things, so they attack women first. तो शैतान जो है हमेशा जो कमजोर पात्र है उस पर ही अपना आक्रमण करता है. जो स्त्रियां होती है बहुत कमजोर होती है तो उनके ऊपर पहले वो आक्रमण करता है. That is why we see many women preachers and teachers nowadays. The devil speaks through them very much. इसलिए हम देखते हैं बहुत सारी जो महिलाएं जो प्रचार करती है, शिक्षक है, और शैतान उनके अंदर कार्य करता है. We must switch off completely listening to all women preachers and teachers. हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जितने भी जो महिलाएं जो समाचार करती हैं, जो शिक्षक बनती हैं, उनका सुनना बंद करना होगा. Because the Bible says women should not teach. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां होती हैं उनको प्रचार नहीं करना चाहिए. And should not take a position of authority over the men. और पुरुषों के ऊपर कोई भी अधिकार या कोई भी स्थान मन को नहीं होना चाहिए. That is the rule, that is God's law. ये परमेश्वर का नियम है. And when we go against God's law, we are bound to get deceived. अगर हम परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में जाते हैं तो हम धोखे के लायक ही हैं. And that is what is happening among so many Christians today, the vast majority of Christians. और आज के बहुत सारे मसीहों के बीच में यही हो रहा है. There are so many lady pastors and lady bishops and all the different types of churches. और बहुत सारे कलीसियाओं में क्या देखने मिलता है कि महिलाएं जो पासबान बनी हैं बहुत प्रमुख स्थानों में ही दिखता है. And when they come to our church, they don't like it at all. और जब वो हमारी कलीसिया में आती हैं तो उनको अच्छा ही नहीं लगता. But if they are going against the word of God, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं. They say they are modern types of change. तो वो कहते हैं कि आधुनिक समय में सब कुछ बदल चुका है. These are old, olden times. ये सारा पुरानी बातें हो गई हैं. They don't want to cover their heads. वो अपने सर को ढकना नहीं चाहती. Praying and sharing the word of God. प्रार्थना करते समय या तो फिर परमेश्वर के वचन को बांटते समय. One by one they start disobeying the word of God. एक एक करके परमेश्वर के वचनों का अनाज्ञाकारिता करने लगते हैं वो. The choice is ours whether the Lord doesn't force us to follow him. चुनाव तो हमारे पास ही है, परमेश्वर कोई भी जबरदस्ती नहीं करता है कि हम उनका पीछा करें. And then if we choose to follow the Lord will fill us with the Holy Spirit and we will enjoy fellowship with God. अगर हम प्रभु का पीछा करेंगे तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भर देंगे हमें और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही आनंदित रहेंगे हम. If we disobey the word of God, we will be out in sadness and gloom, out of the fellowship with God. जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होंगे, हमेशा उदासी में रहेंगे, दुखों में रहेंगे. So when we hear different things, we have to be very careful. Say, Lord, what am I listening to? And who is this person? What is the background? How does this person live? तो जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमें बहुत ही सावधान रहना है और सोचना है कि प्रभु हम क्या सुन रहे हैं, ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो कौन से उसके जीवन कैसा है, वो क्यों कैसे क्यों बोल रहा है. Do I know something about his hidden life? How is his hidden life? Does he have any secret sin, or does he love money, or does he love fame? तो मुझे उसके गुप्त जीवन के बारे में क्या कुछ भी मालूमात है? क्या उसके जीवन में कोई पाप है? क्या पैसों का प्रेम है? कोई भी पाप उसके जीवन में है क्या? If we don't check all these things, we also will go away. अगर हम इन बातों का जो है जांच नहीं करेंगे, हम भी परमेश्वर से भटक जाएंगे. He said, yes, that is my decision, and then we can, yeah, you can take your own decision, your own choice, but the ultimate result will be whether you are filled with the Holy Spirit or not. हाँ, हम कहते हैं कि हमारा निर्णय है, हाँ आपका ही निर्णय होगा, परंतु अंत में परिणाम ये देखा जाएगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो या नहीं. Because why are we tempted? Because we also have got a flesh in our own life.
हम प्रलोभन में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी एक शरीर है। We have got, we can get deceived because in our flesh we are living a very selfish life. हम भी धोखा खा सकते हैं क्योंकि हम शरीर में एक स्वार्थी जीवन जीते हैं। And we are prone to think only for ourselves and for our name and for our fame. और हमेशा हम खुद के ही बारे में सोचते हैं, अपने अपने ही नाम के बारे में, मशहूरता के बारे में ही सोचते हैं। And the devil knows us. That's why he wants to tempt us and encourage us to do what we like. और शैतान ये जानता ही है, इसलिए वह हमें प्रलोभन में डालता है और हमें ये प्रोत्साहित करता है कि हम हमें जो अच्छा लगता है वही हम करें। We see in the book of Ephesians chapter 4. एफेसियों के चौथे अध्याय में हम देखते हैं। Verse 22. 22 वचन। It says that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted according to the lusts of deceit. कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो परमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। So all these desires which come up in our body, you know, they're all deceiving us. और जितनी भी अभिलाषाएं जो हमारे शरीर में आती है, वो हमें धोखा देती है। Eat how much you like, eat what you like. जितना खाना है खाओ, जो अच्छा लगता है वो खाओ। All these sexual desires. सारी do what you like. सारी लैंगिक इच्छाएं, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। Desire to make more and more money. और इच्छा रखना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की। Desire to acquire a lot of earthly things and material things like clothes and houses and whatnot. अभिलाषा है कि संसार की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि कपड़े हैं, गहने हैं और जितनी भी संसार की चीजें, सभी पाने की अभिलाषा। And desire to be great, to become leaders and teachers and preachers and to have prominence. और प्रमुख बनने का, ऊंचे स्थानों में रहने का और शिक्षक बनने का जो अभिलाषा है। The people in this world love it. इस दुनिया के लोग इन चीजों से प्रेम रखते हैं। And they say you also should do run after these things. और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें भी इन सारी सारी चीजों के पीछे जाना चाहिए। Holy Spirit says you must have self-control. You must not run after these name and fame. Give glory to God. पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए, इस महानता के पीछे, मशहूरता के पीछे नहीं जाना चाहिए। And he wants us by the Holy Spirit he has given us. और वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जो उन्होंने दिया है, वो हमें चेतावनी देता है। Verse 23 says that you have been renewed in the spirit of your mind. 23 वचन में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। The Lord tells us, the Holy Spirit, this is not the way Jesus would do it. This is not the word of God, what the word of God teaches. और पवित्र आत्मा हमसे कहेगा, ये ऐसा नहीं है जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह करते थे, या परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमें नहीं सिखाता। You should be a man of God. You should become like Jesus Christ. तुम्हें परमेश्वर का एक अच्छा मनुष्य बनना है, तुम्हें यीशु मसीह के समान बनना है। You should not be a man of the world. तुम्हें इस दुनिया का कोई मनुष्य नहीं बनना है। So the Holy Spirit is always speaking to us and it's up to us whether to obey the lusts of our flesh or to obey the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बात करता रहता है, तो हमारे हाथ में चुनाव है कि हम इस संसार की अभिलाषाओं को सुनते बैठे या पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसे करें। And when we listen to the lusts of our flesh which have been tempted by the devil, then we remain fall into sin. And we become spiritually backslidden. जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को, जो शैतान भरमाने के लिए हमसे कहता है, वही हम करते जाते हैं, तो हम सारे प्रकार के पाप में गिर जाते हैं और शैतान के हाथों में पड़ जाते हैं। And that is the aim of the devil, that we may sin and lose fellowship with God and have go to hell. और शैतान का लक्ष्य यही है कि हम पाप में पाप ही करते जाए और परमेश्वर की संगति से छूट जाए और नरक की ओर जाए। But God, the Lord Jesus loves us and he wants us to give us the Holy Spirit that we may get eternal life and be with him forever and enjoy the glorious blessings of God. परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा हमें दे और अनंत जीवन जो है, हमेशा हमेशा के महिमामय जीवन परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहते हैं। So dear brothers and sisters, it's up to us how we listen every day to every temptation and every desire that comes into our life. तो भाइयों बहनों, ये सब कुछ हमारे पर निर्भर करता है कि हर एक प्रलोभनों में, हर एक अभिलाषाओं में हम कैसे सुनते हैं, किसकी सुनते हैं, क्या करते हैं, इस पर पूरी तरीके से निर्भर होता है। Listen to small things and ask God, Lord, what does your word say? और छोटी बातों को सुनिए और परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु आपका वचन क्या कहता है इस विषय में। And in important decisions, if you're not very sure, please ask godly elders about it.
अगर महत्वपूर्ण निर्णयों में आपको समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर में जो आपके प्राचीन है उनसे पूछिए सलाह. So many believers don't listen and they just do what they like without asking anybody and make a mess in their own life. बहुत सारे विश्वासी ये सुनते नहीं हैं, बिना किसी को पूछे ही निर्णय ले लेते हैं और उनकी जीवन बहुत ही गड़बड़ी हो जाती है. They make a mess in their office work, mess in their marriage, mess in the church. वो उनके जो ऑफिस का जो काम है वहां पे गड़बड़ी कर देते हैं, उनके जो जो वैवाहिक जीवन है उसमें और घर में जो निर्णय लेते हैं उसमें गड़बड़ी हो जाती है. Because they listen to all the lies that is there of their selfish desires. क्योंकि वो सारे झूठ जो उनके स्वार्थी अभिलाषाओं में बसे हुए उसी की वो सुनते हैं. We must always take it for granted all the thoughts that come into our mind are wrong. हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि जितने भी सोच विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं सभी गलत ही हैं. We must always check for the word of God and we are not sure, ask godly people. हमें परमेश्वर के वचनों में इन बातों के लिए परखना है, जांचना है. अगर हमें समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर के जो जन है उनसे पूछना है. There are very few godly people because most of these people preachers and teachers and they just listen, do what they like to do. बहुत ही ऐसे प्रचारक है, शिक्षक है, जो उनको अच्छा लगता है वही वो करते हैं. In the last days, the devil has put so many deceiving spirits all over the world and especially attacking the churches. और आखिरी दिनों में शैतान ने बहुत ज्यादा भरमाने वाली आत्मा सारी दुनिया पर सारे लोगों के ऊपर डाला है, खास करके वो कलीसियाओं पर बहुत आक्रमण करते हैं. They especially target the true Christians. और खास करके वो उन लोगों पर लक्ष्य लगाता है जो कि सच्चे मसीही हैं. And they are very active also in CFC. और CFC में भी बहुत ही क्रियात्मक है वो. That is why we know that we are the true, we are walking in the godly way. We have to resist all these things. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें इन सारे जो संसार की चीजों से विरुद्ध में होकर रहना है. So the devil always says to wants to destroy our lives. तो शैतान हमेशा हमारे जीवनों को नष्ट करना चाहता है. We see in the book of James. याकूब की पत्री में हम देखते हैं. Chapter 1. पहला अध्याय. Verse 16 it says, "Do not be deceived, my beloved brethren." 16 वचन में लिखा है, ये मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ. Who are the people who are being deceived? You and me, beloved brethren. कौन धोखा खाते हैं? मैं और आप जो कि प्रिय भाई हैं. And what is the context in which the apostle James is telling all these things? तो ये प्रेत याकूब यहाँ पे क्या कहते हैं इन सारी बातों के बारे में? It says verse 13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. Verse 14, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. And then when lust is conceived, it bears fruit, birth to sin, and when sin is accomplished, it brings forth death. वही अध्याय का 13, 14 और 15 वचन, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. So many people blame God and the circumstances, saying, "I am tempted. I am falling into sin because God allowed all these problems to come across my life. That is why I am sin. I am weak. I am human." They give all sorts of excuses for all their sinful behavior. बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में जब कोई भी प्रलोभन आ जाता है, गिर जाता है, तो कहते हैं कि परमेश्वर ने इन सारी चीजों का जो अनुमति है मेरे जीवन में आने के लिए दिया है, ऐसा कहते हैं, और मैं बहुत ही कमजोर हूँ, निर्बल हूँ, इसलिए मैं गिर जाता हूँ. ऐसे बहुत से बहाने वो करते हैं. And God says, "Don't. You are deceiving yourself, my dear brother and sister." तो परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहन, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो. You are being tempted because there is something in your own selfish desire that wants to do something good, something bad, and you are yielding yourself in your secret life to all that. तुम प्रलोभन में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम्हारे अंदर की अभिलाषा तुम्हें खींच रही है उस करने के लिए, गलत काम करने के लिए, उसी के अंदर फंसकर तुम परीक्षा में पड़ जाते हो. That is why you are keeping on overeating and falling into pornography and so many love of money and love of pride. इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा खाना खाते रहते हो और जो अश्लील चित्रों को देखते हो, पैसों के प्रेम में, सारे पापों में गिर जाते हो. And ultimately it deserves the spiritual death because sin has come into your life. और आखिरी में वो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाता है क्योंकि पाप तुम्हारे जीवन में आता है.
God wants you to resist that sin by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पाप का विरोध करो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा. Or to run away from that sin. उस पाप से तुम्हें भाग जाना चाहिए. You are encouraging that sin and you are just nurturing that sin. परंतु उसके बजाय तुम उस पाप को और ज्यादा पालन पोषण करते हो, उसको और प्रोत्साहित करते हो. That is why you have lost fellowship with God. इसलिए परमेश्वर के साथ की तुम्हारी संगति जो है वो खो चुकी है. So next time when we fall into some sin, we say, it is my fault, Lord. I did all these things. I went and did the wrong things. I went to the wrong place. And I was seeing the wrong pictures on the YouTube. Lord, that is why my mind is so corrupted and I have lost fellowship with you. इसलिए अगली बार अगर आप कोई पाप में गिरो तो आपको ये कहना चाहिए, प्रभु मैंने गलत सोच विचार किए, मैं उस जगह पे गया, मेरे सोच विचार गलत थे, इसीलिए मैं वो पाप में गिरा हूँ. I did not listen to the Holy Spirit when the Holy Spirit was warning me. I just did what I liked. पवित्र आत्मा की बातों को मैंने नहीं सुना जब पवित्र आत्मा मुझे चेतावनी दे रही थी, मैंने खुद की मर्जी ही की वहां पर. That's why if I'm falling into sin, I'm falling into depression and gloom and sadness. इसीलिए मैं पाप में गिर जाता हूँ, निराशपन में गिर जाता हूँ, उदासी में और दुख में गिर जाता हूँ. So always put the blame on yourself if you sin. इसलिए जितने भी दोष वो अपने आप पर ही लगाइए जब भी आप पाप करते हो. And ask God for help and then we'll defeat the deception of the devil. और फिर परमेश्वर से मदद मांगिए, फिर शैतान का जो धोखा होगा उससे हम जय प्राप्त करेंगे. Second way that most believers deceive ourselves is in verse 22 of chapter 1 of James. याकूब के पहले अध्याय के 22 वचन में लिखा है कि दूसरी प्रकार से विश्वासी अपने आप को कैसे धोखे में रखते हैं. We always pray this. हमेशा हम इसको बात करते हैं. Always pray about this, but prove yourselves doers of the word and not merely hearers who delude themselves. यहाँ पे लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. We are used to listening to so many messages of Brother Zach and coming to CFC conferences and other good preachers. तो हम भाई जैक के बहुत से संदेशों को सुनते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे प्रचारक हैं उनकी सुनते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाके भी संदेशों को सुनते हैं. And because we have listened to such a lot of things, we can even preach all those things and teach it and give messages on that. क्योंकि हम इन सारे संदेशों को बहुत बार सुन चुके हैं तो हम इन संदेशों के बारे में दूसरों को भी बता सकते हैं, उसका प्रचार हम खुद से भी कर पाते हैं. And we know all the nice songs. और हम अच्छे अच्छे गीतों को भी जानते हैं. And we can sing it by heart. और हम बिना देखे भी उन गीतों को गा सकते हैं. But God's word says that don't just be hearers, but be doers of the word of God. परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है परंतु करने वाला, तो काम को करने वाला बनना है. It is very easy to listen to the word of God and talk about the word of God. बहुत ही आसान है परमेश्वर के वचनों को सुनना और परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करना. But to do the word of God is difficult. परमेश्वर के वचनों पर चलना जो है वो कठिन है. Just as if you want to lose weight, then to keep on eating is very easy, and to watch programs about losing weight is easy. But to do exercise and to do fasting is very difficult. उदाहरण के तौर पर अगर हमारा जो वजन है वो बढ़ चुका है, हमें उसे कम करने की इच्छा है, परंतु इस वजन कम करने के बारे में जो प्रचार होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब कुछ सुनना, वो सब करना जो है आसान हो जाता है, परंतु व्यायाम करना, उसके लिए परिश्रम करना जो है वो मुश्किल जान पड़ता है हमें. And even eat less, cut down on your food, cut down on all the fatty food, that we find it very difficult because we like to eat all good things. और जो है जो खाने पीने पर अपने नियंत्रण रखना और चर्बी से भरा हुआ खाना पीना कम कर देना, वो सब कुछ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. We cannot mock God. We cannot say, Lord, we have been CFC for 20 years, 15 years, and God is not impressed. God says, how is your actions day by day? तो परमेश्वर को हम टट्टा नहीं उड़ा सकते. हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हम सीएफसी में 15-16 साल से यहीं पे है, तो परमेश्वर हमसे कहेंगे कि तुम्हारा जो काम है, चाल चलन है, वो कैसा था. We may deceive all the believers in the church and CFC also, but God, we cannot deceive God. हम CFC में जितने भी परमेश्वर के जन हैं, उनको तो धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे पाएंगे. And God tells His prophets who are the true believers and who are making a big show. और परमेश्वर अपने नबियों को ये कहेगा कि कौन है जो सच्चे विश्वासी है और ऐसे विश्वासी कौन है जो सिर्फ प्रदर्शन करता है. Because if we have sin in our life, God will not fill us with the Holy Spirit. क्योंकि आपके जीवन में यदि कोई पाप है तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे. One sin will keep us away from the power of the Holy Spirit. सिर्फ एक भी पाप हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर रख सकता है. There won't be any joy of the and love and peace from the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा कोई शांति आनंद और प्रेम नहीं होगा वहां। Yes, we can have the joy in our soul and in the because we have that is only a temporary joy that we can have having good things of this world. हाँ, हमें प्राण में थोड़ा सा आनंद हो सकता है, परंतु सिर्फ थोड़े समय के लिए जो दुनिया की जो चीजें हैं हमें आनंद मिलता है उतने समय के लिए होगा वो। So my dear brothers, whatever God, Holy Spirit speaks to us, He'll speak to us over and over again, many many times when we ask, when we are willing to listen. तो भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जो है हमसे हमेशा बात करते रहेगा। अगर हम पवित्र आत्मा की वाणी को सुनने के लिए तैयार है तो वो हमसे बात करेगा। All the time, if we are willing to just talk and talk, we won't be able to listen to the word of God. अगर हम हमेशा सिर्फ बातें ही करते रहेंगे तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ सुन नहीं पाएंगे हम। We must spend a quiet time with God and say, Lord, search me, O God. See, there is a wrong thing. There are a lot of wrong things we know in our heart, but please show me what is wrong. I want to correct it and set it right. तो हमें शांत समय निकालना है परमेश्वर के साथ और कहना है कि प्रभु, मेरे जीवन में आप देखिए कि कोई गलत बात बसी है कि नहीं, मुझे परखिए, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी गलत चीजें बसी हुई है, आप मुझे उन सारी बातों को एक एक करके दिखाइए। See Lord, if I have the love of money in my life, see if I'm overeating, see if I have all dirty sexual thoughts and want to accumulate so many earthly goods for myself. देखिए प्रभु की मुझे मेरे अंदर पैसों का प्रेम है क्या, ज्यादा से ज्यादा खाना खाने की इच्छा मेरे अंदर है क्या, पाप की पाप में गिरने की अभिलाषा जो है वो मेरे अंदर है क्या, दुनिया की जो धन दौलत है उससे इकट्ठा करने का मन है क्या मेरे अंदर। See Lord, if I want importance in the church and want to become great. देखिए प्रभु की मेरे अंदर ऐसी एक इच्छा है क्या कि मैं कलीसिया में प्रमुख स्थान पाऊं, महान बन जाऊं। And we will be surprised to know there are such a lot of hundreds and hundreds and thousands of wrong things in our own life. हमें ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हजारों हजारों चीजें, गलत चीजें हमारे मन में बसी हैं। But many times we can just conceal it and say, doesn't matter. I know to preach, I know to teach, I know to do all good things. I will ignore this. तो कहीं बार हम उसे छिपाकर ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं अच्छे से प्रचार कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। But one day the thing will come out and then sometimes it will be too late. If we die, we will even go to hell. और आखिरी दिन में ये सारी बातें बाहर निकल के आएंगी। अगर हम मर जाए तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हम नरक में चले जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का क्या लाभ होगा अगर उसने पूरी दुनिया को पा लिया और अपने प्राण को खो दिया तो। If all the believers in this world are saying you are spiritual, but actually when you are carnal, what is the use? One day the Lord will check it up. और क्योंकि क्या लाभ होगा जब सब विश्वासी कहते हैं कि बहुत ही आत्मिक हो, जबकि आप आत्मिक बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर तो आपको जान लेंगे, आप उनको उनके सामने खड़े होना होगा आपको। Every day we can cleanse our heart, search our heart, and the Lord will cleanse us, and then we can be free from all these types of hidden sins. तो प्रतिदिन हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, परमेश्वर हमें परखेंगे, हमें शुद्ध कर देंगे, जितने भी गुप्त पाप हमारे जीवन में बसे हुए हैं सब में से हमें साफ करते जाएंगे। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से हमें भरेंगे। Third way we deceive ourselves is in verse 26. और तीसरी प्रकार से हम कैसे अपने आप को धोखा देते हैं, 26 वचन में है वो। It says, if anyone thinks he is to be religious and yet does not bridle his tongue, he deceives his own heart. This man's religion is in vain. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। If we keep on talking, then we find this person, we just deceive ourselves thinking that we have got a lot of knowledge. But the Bible says your spirituality is zero. तो हम ये सोचेंगे, हम बहुत सारा बात करते जाएंगे, हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, सब कुछ हम बोलते जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सोच रहे हो तुम आत्मिक है, परंतु तुम्हारी जो भक्ति है बिल्कुल व्यर्थ है। There are so many believers who keep on arguing and talking about the Bible and apologetics and keep on reasoning out so many things, but they are living all a hidden life is full of sin. तो बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बहुत सारी बातों पर, वचनों के विषय पर बहुत सारी जो चर्चा करते हैं, विवाद करते हैं, परंतु उनका जो गुप्त जीवन है वो पाप में बीत रहा है। The best way the Bible, the Apostle James says, just keep quiet, just talk less in your home, talk less to people, and listen more to God, listen to the Holy Spirit. तो यहाँ पे याकूब बहुत ही अच्छी तरीका बताते हैं कि हमेशा कम बात करना है, अपने घर में शांति से रहना है, कम बात करना है, लोगों से कम बात करना है, परमेश्वर की वचनों को ज्यादा सुनना है। Then you will start not getting irritated and lose your temper and talk all wrong things. फिर आप चिड़चिड़ाहट नहीं पाएंगे, आप जो गुस्सा नहीं होंगे और गलत चीजों को भी नहीं बोल पाएंगे। Then the Holy Spirit will fill your heart and fill your mouth and you'll speak the right thing. और पवित्र आत्मा आपके हृदय को भर देगा, वो आपके जुबान को भर देगा और आप सही चीजों को बोल पाएंगे।
instead of grumbling and complaining and blaming other people, you start thanking and praising God and worshiping God. और कुड़कुड़ाने के बजाय, बड़बड़ करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय आप परमेश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे, प्रशंसा स्तुति करने लगेंगे. That is why there are very few people who are who truly worship God in spirit and in truth. बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई से और आत्मा से करते हैं. Now we have exposed all the deceptions of the devil. तो यहाँ पे जो शैतान की जितनी भी धोखा है उसका खुलासा हो गया है. And the deceiving flesh that we have in our own bodies. और धोखा देने वाली जो अभिलाषाएं हमारे खुद की शरीर में बसी हुई है. God has given us the Holy Spirit to warn us about it and take care. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें चेतावनी दे, हम उसका ध्यान रखें. That we should be a bride for Jesus Christ, walking in fellowship with him. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन होकर परमेश्वर की संगति में चलते जाए बढ़कर. And that fellowship is a simple fellowship. और वो जो संगति है एक साधारण सी संगति है. It's a pure devotion. और एक शुद्ध एक भक्ति है वो. God is the first person. God, Jesus Christ is our everything. और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे सब कुछ है. And the Lord wants us to develop it right till the last day of our life. और प्रभु चाहते हैं कि ये चीज हमारे जीवन के अंत तक इसकी जो उन्नति है हमारे जीवन में और भी होते जाए. Doesn't matter if all the other believers around you are not having this attitude, you must have that attitude. कोई बात नहीं कि आपके आसपास के जो विश्वासी के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं है, परंतु आपके अंदर इस स्वभाव को होने दीजिए. And then we will have wonderful fellowship with God and we can be an example to all the other believers around us. और हम परमेश्वर के साथ बहुत ही अद्भुत संगति में रह सकते हैं, हमारे आसपास के जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उनके लिए उदाहरण बन सकते हैं. And then we can be a blessing to all the people around us, believers or unbelievers. फिर हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, विश्वासी होने दो, अविश्वासी होने दो, सबके लिए एक आशीष हम बन सकते हैं. We'll be like a light and a salt in this earth. हम इस पृथ्वी के एक ज्योति के समान, नमक के समान होंगे. Otherwise we'll be just be empty talkers and be humbugs. नहीं तो हम क्या होंगे, व्यर्थ में बात करने वाले, बक करने वाले होंगे. There are so many preachers and believers now who are becoming humbugs. They have become very shallow in their spiritual faith. बहुत सारे प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, जो कि उनके आत्मिक जीवनों में बहुत ही निचले स्थान पर हैं. And even in CFC, there are so many believers who are backslidden. और CFC में भी बहुत से विश्वासी हैं जो पीछे हट चुके हैं. And we are the last times the Lord wants us to prepare ourselves. और ये आखिरी दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें. And if we are honest, as we sang that song, if you give us an honest and a guileless heart, an honest heart. और जैसे कि हमें ईमानदारी से रहना, जैसे हमने गीत गाया कि निष्कपट और एक ईमानदार हृदय हमारे पास हो. Then we will be singing day and night. फिर हम रात दिन गीत गाते रहेंगे. Only people who have an honest heart will be singing to the Lord, worshiping the Lord in the day and also in the night. सिर्फ जो ईमानदार लोग हैं, जो परमेश्वर से, वही ऐसे लोग हैं जो दिन और रात को परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे. Amen. So we can hear brother Ratnaswami share and brother Raju share, and after that if there is time we can hear other brothers share. I thank God for today's encouraging words. Little louder, brother. Yeah. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ. So, as we discussed or as we shared in the first year meeting, we have to be thankful to our God. जैसे कि हमने वचन के द्वारा अभी बांटा कि हमें परमेश्वर की ओर धन्यवाद ही कहना है. So if we don't have a ungrateful heart, we will be deceived. अगर परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद हृदय हमारा नहीं होगा तो हम जो है धोखा ही खाएंगे. We will not have interest in God's word and God and the church. परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर या कलीसिया पर कोई भी दिलचस्पी हमारी नहीं होगी. रोमन चैप्टर 1, रोमियो का पहला अध्याय, वर्स 21 एंड 22, 21 और 22 वचन. रीड सिस्टर, वॉइस हैज गॉन डाउन अ लिटिल लाउडर. यस ब्रदर. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए. Yes. We know God
our God is sitting at the throne. He has saved us. He is mighty, but we don't have respect for him. तो हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है सिंहासन पर बैठा है उसने उन्होंने हमें उद्धार दिया है वो सर्वशक्ति महान है परंतु उनके प्रति कोई आदर हमारे मन में नहीं है. We took very easy, take it for granted. तो हम बहुत ही हल्के में इन बातों को ले लेते हैं. So by that way our heart become hard and dark. इसी के कारण हमारा हृदय जो है बहुत ही कठोर हो जाता है अंधकार से भर जाता है. So this thought, no, Satan will put into our heart. तो ये विचार जो है शैतान हमारे हृदय में डालता है. That is why John chapter 8 verse 31 and 32. योहन्ना आठवां अध्याय 31 और 32 वचन. Please read sister. 8:31-32. योहन्ना आठवां अध्याय 31 और 32 वचन. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Yes, only God word can free us from all the sins. सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमारे सारे पापों से हमें स्वतंत्र कर सकता है. Because God is true and His word is also true. क्योंकि परमेश्वर सत्य है और उसके वचन सत्य है. So then, as we often see in Psalm 119, जैसे कि हमेशा देखते हैं भजन संहिता 119 में. Today also I want to read 119 verse 9. भजन संहिता 119 उसका नौवा वचन. Please read sister. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से. Yeah. If we obey God, then definitely we will definitely overcome sin. अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो जरूर हम पाप के ऊपर जय पाएंगे. If we don't know God's word, how can we obey His word? अगर हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे ही नहीं तो परमेश्वर के वचनों की आज्ञा पर कैसे चलेंगे? You see 11 verse, same chapter, verse 11. वही अध्याय के 11वें वचन में हम देखते हैं. Read sister. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं. How wonderful word this is. इतना ही अद्भुत वचन है ये. I have treasured your word in my heart. तो मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है. We should ask ourselves, my dear brothers and sister, whether we have treasured God's word in our heart. तो भाइयों बहनों हमें अपने आप से सवाल करना है कि हमने परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय में खजाने के रूप में रखा है कि नहीं. Then definitely God's word will lead us a good life and beautiful life and holy life. परमेश्वर का वचन हमें सच में अच्छे जीवन की ओर एक पवित्र जीवन की ओर हमें अगुवाई करेगा. Psalm 1 also we have read that day and night he meditates God's word. भजन संहिता पहले अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि दिन रात वो परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है. So many years have gone, but we can decide this year that daily we have to read God's word and ask God to reveal His will in our life. तो बहुत सारे साल जो है बीत चुके हैं परंतु ये साल हमें परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन पढ़ना है मनन करना है और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन को लेकर क्या है वो परमेश्वर से पूछना है. Then God will definitely bless us. Amen. परमेश्वर हमें जरूरी आशीष करेंगे. आमीन. So we replace we continue sharing मंगलवार तक करेंगे. So we can share on our lives how the प्रभु हमको कैसे सच्चाई में लेके आया है और धोखा से बचाया है. हर धोखे से प्रभु हमको धोखे देने वाला है. शैतान लबाड़ा है कि tells all lies to us कि हम आप ठीक है हम अच्छे हैं लेकिन शैतान हमको कभी सही चीज बताते नहीं है. हमको बहुत चढ़ाते हैं और हमको प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल. हमको बताते हैं कि आप कितना महान है आप ये है अच्छा है वो है इतना अच्छा अच्छा. शैतान हमारा गलतियां कभी दिखाते नहीं है. जब गलतियां कभी दिखाते हैं हम नरक में जाते तभी हमको बताते हैं हमको चिढ़ा देते हैं. तो इससे प्रभु पवित्र आत्मा हमको हमारा गलतियां दिखाते हैं हम गलतियां से भी निकालने के लिए मदद भी करते हैं. He gives us the help to overcome our lying,
all worldly desires of accumulating wealth and money and running after all these things. The devil, the Lord wants us to be close to him. We should be his bride. We should have the same interests as Jesus. Hamara bhi ichcha hai, Prabhu ki ichcha jaisa hona chahiye is prithvi mein. Not all the desires of this world. Theek hai, jo choti desires, the Holy Spirit will tell us, aapko kahan line kahan control karna hai. Isliye humko pavitra atma ki sangati mein hamesha rehna chahiye. As it says, no, the grace of our Lord Jesus Christ, Prabhu ki kripa, or the love of the Father, Prabhu, Parmeshwar ka prem, or pavitra atma ka sahabhagita, the fellowship of the Holy Spirit be with you. The fellowship of the Holy Spirit means I'm always having fellowship with the Holy Spirit, and he will be able to teach us the right way, the right thing to do, and give me the help also. Hallelujah. So, Mangalwar ko 8:45, we can continue with the sharing. So, everybody can share today. So, we continue to learn the Psalm 23, Bhajan Sangeeta 23 mein aap gana bhi gaiye, aur ye English mein bhi sikhaya hai, aur pachan bhi padhiye. जैसे हम लोग लिखा है इस टाइम में रोमन्स का एपिसल एंड पंट कोरिंथियंस और मार्कोस का गॉस्पल पढ़ना है और पुराना नियम का ईसाया 66 चैप्टर्स वेरी ब्यूटीफुल बुक ईसाया 66 चैप्टर दो या तीन चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छा है फर्स्ट 39 चैप्टर्स आर लाइक द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द फर्स्ट नेक्स्ट 27 चैप्टर्स ऑफ ईसाया आर लाइक फॉर द न्यू कवेनेंट फॉर द चर्च It's a very beautiful thing to read, very delightful to read Isaiah. And of course, you can read one psalm per day, one psalm, probably starting with one psalm. If you have not started, Psalm 1 to Psalm 30 for the full month. And Proverbs, chapter 5 chapters of Proverbs for the whole month. And then you will read it, underline it, think about it, how much, whatever God speaks to you. May speak to you one or two things, but continue to read and think about the word of God. So the Lord bless us. एंड कोरोना ओमाइक्रॉन के महामारी तो चल रहा है काफी सीरियस तो नहीं है लेकिन हम लोग तो दूर रहना चाहिए मास्क या डबल मास्क पहनना चाहिए और गर्दी में जरा जाना नहीं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए प्रभु हमको बचाए प्रभु कई लोगों को भी हुआ है तो डॉक्टर्स को भी काफी डॉक्टर्स को भी हुआ है क्योंकि वो जल्दी फैल जाते हैं तो हम लोग को थोड़ा अननेसेसरी वर्क कोई जरूरत नहीं है तो उधर कभी घुसना नहीं चाहिए और प्रभु की वचन में लेके बैठ मनन करना चाहिए let us think about the word of God and let us draw closer to the Lord spend quiet time with God and we can talk to one another and fellowship with one another over the phone don't gossip and to talk about worldly things talk about good things and then we can be prepared for Jesus Christ of the Yeshua aayenge hum liye taiyar rahenge so God bless you brothers and sisters we can pray for all those who are sick now heavenly father pray for those who are jo bimar hai prabhu sardi zukam hai you don't know what is the cause protect your children And heal all of them, Lord, we pray, Master. And those who are relatives are not well, pray that they also will recover, Lord. We pray for all of them. Thank you, Lord, your mercy on us. Prabhu, humare upar daya kiya. Prabhu, unke upar daya kare. Prabhu, kalisya hum milke prarthna karte hain. Aur hum, humara parivar, prajyo, aur har jo brothers and sisters jo hai, batke huye, unke bhi prarthna karte hain ki wo Prabhu ke kareeb aaye, Lord. Draw near to God, Prabhu ke kareeb aa jaye, aur Prabhu aapke kareeb aayenge. Ye aapka, Prabhu, aapka vachan ye hai, hum vishwas karte hain. Hallelujah. यीशु के नाम में हम मांगते हैं आमीन तो थैंक यू ब्रदर्स सिस्टर्स गॉड ब्लेस यू संडे स्कूल विल बी आफ्टर दिस थैंक यू